कम बैक, जिसमें हम टैली के अंदर वाउचर्स के बारे में सीखेंगे या पढ़ेंगे, और वाउचर्स जो होते हैं वो कहाँ काम आते हैं, जब हम टैली में एंट्रीज कर रहे हैं अकाउंट्स की, तो उसके लिए हमें वाउचर की जरूरत पड़ेगी, हम वाउचर में ही एंट्री कर पाएंगे। और जैसे कि हम जो वाउचर्स अभी पढ़ रहे हैं वो है हमारा सबसे फर्स्ट वाउचर है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री होगी वो होगी जैसे आपके पास में पैसे आपके पास आ रहे हैं, मतलब आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं पैसे, तो उस केस में आपको जो एंट्री करनी है वो कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है, या पैसे आपके विड्रॉ हो रहे हैं बैंक से, अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी फॉर ऑफिस पर्पज। ऑफिस पर्पज के लिए जैसे ये एंट्री है, आपने कैश निकाला बैंक से, आपने कैश विड्रॉ किया है, तो ये एंट्री हमने करी है जिसमें हमने कैश अकाउंट डेबिट किया है और बैंक अकाउंट क्रेडिट किया है, इसका मतलब हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो ये एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। और देन नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में हमारे पास में पैसे रिसीव हो रहे हैं, भले ही वो डेटर से हो रहे हो या हमने कोई फर्नीचर सेल आउट किया उसके हमारे को रिसीव हुए, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने फर्नीचर सेल आउट किया है और फर्नीचर को हमने क्रेडिट किया एंड कैश हमारा डेबिट हो गया। देन ऐसे ही अगर हमारे को बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो एंट्री भी हमारी इसी में ही होगी। तो रिसिप्ट वाउचर में मतलब आपके पास में पेमेंट आ रहा है, मतलब पैसे आ रहे हैं आपके पास में, भले वो बैंक में आ रहे हो या कैश आ रहा हो आपके पास, वो एंट्री आपकी रिसिप्ट वाउचर में होगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट में आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे फर्नीचर खरीदा आपने, एग्जाम्पल है जैसे ये फर्नीचर आपने खरीदा और फर्नीचर के टाइम पे आपने पेमेंट किया, भले ही कैश किया हो या आपने चेक से पेमेंट किया हो बैंक से, या आपने रेंट पे किया किसी को, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, या आपने सैलरी पे करी, तो वो सारी एंट्रीज जो होंगी वो आपकी होंगी, या क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया, वो सब एंट्रीज आपकी पेमेंट वाउचर में होगी। सेल वाउचर में आप जब गुड्स सेल करते हैं तो वो एंट्री होगी सेल वाउचर में। अब आपने वो क्रेडिट में किए तो क्रेडिट मतलब कि आपके पास में पेमेंट आया नहीं है, अभी आना बाकी है, तो जैसे डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेटर में राम हो गया, श्याम हो गया, या किसी भी का नाम आ सकता है यहाँ पे, तो वो सेल में वो एंट्री होगी। ऐसे ही कैश में भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो भी एंट्री सेल में ही होगी। परचेज में एंट्री होगी जब आप परचेज कर रहे हो, भले ही आप वो कैश में परचेज कर रहे हो या आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो, क्रेडिट में करोगे तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, और नहीं तो आप कैश में करोगे तो नॉर्मल कैश ही रहेगा। जनरल जनरल वाउचर में वो एंट्रीज आएंगी जिसमें ना कैश होगा, ना ही परचेज, ना ही सेल, ना ही आप बैंक का यूज़ कर रहे हैं वो एंट्री, जैसे लॉस बाय फायर टू परचेज, तो आपका जो माल था वो जल गया, गुड्स आपके जल गए, तो लॉस बाय फायर टू परचेज, या आपने किसी से एडवर्टाइजमेंट कराई पर आपने पेमेंट नहीं किया अभी तक उसको, वो एंट्री होगी, जैसे एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट टू गुप्ता एंड कंपनी, या फिर आपका जो माल था आपने खरीदा था वो आपने रिटर्न कर दिया क्रेडिटर को, तो वो एंट्री भी आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री भी इधर होगी। अगर आप किसी को सेल करा आपने कुछ और वो एंट्री भी आपकी इधर होगी, अगर रिटर्न हो रहा है, सेल रिटर्न हो रहा है आपका, तो वो एंट्री भी जनरल वाउचर में होगी। तो मतलब जनरल वाउचर में वो एंट्री होगी जिसमें ना परचेज हो, मतलब आपने कुछ परचेज नहीं किया, आपने कुछ सेल नहीं किया, आपने किसी को पैसे नहीं दिए, आपने नहीं किसी से पैसे लिए, नहीं बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाए पैसे, वो एंट्रीज होंगी जनरल वाउचर में। देन इसके अलावा दो और वाउचर्स होते हैं जो हमें अभी तो काम नहीं आएंगे, पर कब काम आएंगे, जब हम अकाउंट्स और इन्वेंट्री पे काम करें, तो मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये साथ में ही हो जाए, तो इसलिए तो ये एंट्री होगी परचेज रिटर्न की एंट्री अगर आपको करनी है स्टॉक वाइज। स्टॉक की जब डिटेल्स हम चढ़ाते हैं तो हमें डेबिट नोट में परचेज रिटर्न की एंट्री करनी होती है, ना कि जनरल वाउचर में। और इसके लिए हमें फीचर्स में जाना पड़ेगा, जैसे ये मैंने एक नीचे विंडो बना रखी है, ये एक इमेज है और इस इमेज में बता रखा है कि यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, और ये ऑप्शन हमें मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर, ये वाला जो ऑप्शन है जो अभी नो दिख रहा है हमें, तीनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन हमें यस करने पड़ेंगे और इसके बाद में ही हमारे पास में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑप्शन वहाँ पर ऑन होगा। तो मैं वैसे आपको आगे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो मैं आपको और बताऊंगा, ये तो वाउचर्स हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से होते हैं, इसलिए मैंने आपको अभी इसमें शॉर्ट में समझा दिया है। तो ये ऑप्शन आपको यस करने पड़ेंगे जो ये नो आ रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों ऑप्शन आप यस करेंगे तब जा करके आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाला ऑप्शन ऑन होगा। परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट में होगी, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F9। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट में हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं, और इसके लिए भी हमें फीचर्स में जाकर के ये तीन ऑप्शंस यस करने पड़ेंगे।
यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, और इसकी जो एंट्री होगी क्रेडिट नोट की, वो जब भी यूज हम कर पाएंगे, मतलब इसमें एंट्री जब भी हम कर पाएंगे जब हम अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री पे काम कर रहे हो। अभी हम जो काम कर रहे हैं, वैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग हम जो करेंगे वो अकाउंट्स ओनली वाली कंपनी पे करेंगे, बट आगे हमें अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री भी पढ़ना होगा, तो मैं वाउचर्स इसलिए अभी ही कवर अप कर रहा हूँ जो अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री में भी काम आएंगे। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।